हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम फॉर ईएसआईसी, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यू के साथ। और आज के लिए जो टॉपिक उठाया है मैंने, वो उठाया है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के एमसीक्यू क्वेश्चंस हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आपको रिमाइंड करा दूं हम कर क्या रहे हैं। हम सब्जेक्ट वाइज के बाद फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने अकाउंट्स के सारे ही टॉपिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल हो जाएगा आपको। अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर अनुज जिंदल पे। वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और सेशन का अपडेट भी आपको मिल जाएगा। और एक गुड न्यूज है कि हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, जिसपे आपको डेली जीके क्विजेस, टॉपर स्ट्रेटेजीज, पास्ट ईयर पेपर्स, एग्जाम अपडेट्स, लाइव वीडियो सेशंस और मंथली जीके अपडेट्स वगैरह भी मिल जाएंगी। तो जल्दी से जाके गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो। तो चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। तो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की बात करते हैं तो हमें याद है कि ये थ्योरीज दो पार्ट्स में कैटेगराइज की जाती हैं। कौन से दो पार्ट्स? कुछ मानते हैं कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपनी का, वो रेलेवेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन ऑफ फर्म के लिए। वहीं कई हमारे पर्सन मानते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है दैट इज इररिलेवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। हमें बताना है इन सारी अप्रोचेस में से कौन सी अप्रोच इररिलेवेंट के लिए है, मतलब कौन सी अप्रोच में अजम्पशन ली गई है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इररिलेवेंट होता है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए बता दूं तो जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो होता है कि किस जो हमारा कैपिटल होता है और कंपनी का, वो डेट से रेस किया जाए या इक्विटी से, उस रेशियो को हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंट है या नहीं है, तो रिमाइंड कर लें जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज है या अप्रोचेज है उनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला कौन सा, जो कहती है कि रिलेवेंट है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर का जो रेशियो है वो रेलेवेंट है और वैल्यूएशन ऑफ फर्म को इंपैक्ट करता है। वहीं कुछ अप्रोचेस कहती हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इररिलेवेंट है और वैल्यू ऑफ द फर्म को कोई भी इफेक्ट नहीं करता। इररिलेवेंट है और वैल्यू ऑफ द फर्म को इंपैक्ट नहीं करता। तो जो रेलेवेंट वाली अप्रोचेज है वो कौन सी है हमारी, नेट इनकम अप्रोच और साथ साथ ट्रेडिशनल अप्रोच, और इररिलेवेंट वाली कौन सी है हमारी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच। इन दो अप्रोचेस में क्या माना जाता है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इररिलेवेंट है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, मतलब जो फर्म की वैल्यू है वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती। जो मर्जी कैपिटल स्ट्रक्चर हो, जो मर्जी रेशियो हो डेट या इक्विटी का, जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो सेम की सेम ही रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इररिलेवेंट होता है। नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग रेलेवेंस होती है कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच अभी हमने पढ़ा कि ये रेलेवेंस को मानती है कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रेलेवेंट है। उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू ऑफ फर्म है, वीएफ का मतलब वैल्यू ऑफ फर्म, वीई का मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी और वीडी का मतलब वैल्यू ऑफ डेट, जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो हमारी बराबर है वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट के, या वैल्यू ऑफ इक्विटी बराबर है वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ डेट के, अगर वैल्यू ऑफ डेट हमारी बराबर है वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ इक्विटी के, या वैल्यू ऑफ फर्म बराबर होती है हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस वैल्यू ऑफ डेट के, इन सब में से किस, मतलब कौन सा ट्रू है अकॉर्डिंग टू नेट
इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच आपको एक बार रिकॉल करवा दूं मैं, जब तक आप सोच रहे हो। नेट इनकम अप्रोच में होता क्या था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को और कॉस्ट ऑफ डेट को कांस्टेंट लिया जाता था, और कहा क्या जाता था, जो कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, केडब्ल्यू का मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो रिड्यूस होगी जैसे जैसे हम अपने कंपनी में डेट प्रपोर्शन को इंक्रीज करेंगे। क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ डेट है वो हमारा लेस है एज कंपेयर टू फिक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जैसे जैसे डेट को बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे डेट को बढ़ाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होती रहेगी। तो उससे होगा क्या, जो वैल्यू ऑफ द फर्म है इंक्रीज होती रहेगी। ये हमारा बेसिक बेसिक कहता था नेट इनकम अप्रोच। अब अपने क्वेश्चन पे वापसी आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ फर्म किसके बराबर होगी। तो नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म होती है वो बराबर होती है वैल्यू ऑफ डेट के प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी के। मतलब जो वैल्यू ऑफ डेट है और वैल्यू ऑफ इक्विटी उसका सम कर देंगे, वो ही हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रेडिशनल अप्रोच विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कॉन्स्टेंट। ट्रेडिशनल अप्रोच हमने डिस्कस करी, ये भी क्या कहती है कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है। अब इसकी अजम्पशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा हमारा कांस्टेंट रहता है, क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहता है, क्या कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहता है, या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया वो कांस्टेंट रहता है, या फिर नन ऑफ द अबव। देखो नेट इनकम अप्रोच होती तो नेट इनकम अप्रोच में अभी हमने पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट होता है, कॉस्ट ऑफ डेट भी कांस्टेंट होता है, और जो वर्किंग कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो रिड्यूस होता रहता है। अब इन्होंने पूछा है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो ट्रेडिशनल अप्रोच को भी एक बार डिस्कस कर लें। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि जैसे जैसे कंपनी ज्यादा डेट को इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे डेट प्रपोर्शन को इंक्रीज करेगी, उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो इंक्रीज होएगा, और कॉस्ट ऑफ डेट भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो इंक्रीज होगा, और साथ साथ ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इनिशियल स्टेजेस पे तो वो रिड्यूस करेगी, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कंपनी की वो भी इंक्रीज करनी शुरू हो जाएगी। देखो लॉजिक लगाओ, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, वो कहती है कि मान लो अगर कंपनी ज्यादा से ज्यादा डेट प्रपोर्शन लेता रहेगा, तो ऑब्वियस है डेट ज्यादा लेना भी अच्छी बात नहीं है, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज करने शुरू हो जाएंगे। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कह रही थी कि कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉन्स्टेंट रहेंगे, ये कह रही है कि जैसे जैसे डेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ेगा, और जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या फिर जिसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो इनिशियल स्टेजेस में तो डेट बढ़ाने से इंक्रीज होगा, मतलब डिक्रीज होगा, लेकिन एक टाइम बाद वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कईयों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा जिन्होंने कंसेप्ट सही से नहीं पढ़ा होगा, तो सर ये डिक्रीज क्यों होगा इनिशियल फेज पे, अरे ये डिक्रीज इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ डेट की वैल्यू कम है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी की ज्यादा है, तो इसीलिए ओवरऑल रिड्यूस होगा इनिशियल फेज पे। ठीक है, तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच में ना ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉन्स्टेंट है, ना ही कॉस्ट ऑफ डेट है, ना ही ओवरऑल या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्स्टेंट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, जिसने अप्रोचेस बहुत अच्छे से समझी होंगी उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे। मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं उठाए, बहुत बेसिक लेवल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मैंने बेसिक बेसिक ही उठाए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अज्यूम्ड टू इंक्रीज लीनियरली विद लीवरेज, दैट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कॉन्स्टेंट विद द इंक्रीज यूज ऑफ लिवरेज। कॉस्ट ऑफ जो इक्विटी है वो इंक्रीज करेगी जैसे जैसे हमारा लिवरेज बढ़ेगा, इस अप्रोच में ये अज्यूम किया जाता है, और मतलब जैसे जैसे लिवरेज बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा। तो अब एक और जो हमारी ये आंसर इसका क्या रहेगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को समझ ले जरा ध्यान से देखना,
नेट इनकम अप्रोच में क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट कॉन्स्टेंट और जो ओवरऑल होगा वो रिड्यूस होगा। फिर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी, वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ेगा एक टाइम के बाद, ओवरऑल पहले रिड्यूस होगा फिर इंक्रीज करेगा। जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, अब वो क्या कहती है ध्यान से सुनना। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है, देखो सबसे पहले तो ये दोनों क्या कहती थी, रेलिवेंट है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर वैल्यूएशन ऑफ फर्म। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इररिलेवेंट है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। और इसने कहा कि जो वैल्यू ऑफ फर्म होगी वो होगी ईबीआईटी अपॉन में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो वैल्यू ऑफ फर्म होगी वो होगी ईबीआईटी अपॉन में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारी कॉन्स्टेंट रहती है। इसने कहा कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कॉन्स्टेंट रहती है, जैसे जैसे लीवरेज बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा बढ़ता जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता रहेगा। अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कॉन्स्टेंट है तो इससे होगा क्या, वैल्यू ऑफ द फर्म जो कि है हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी और डिपेंड नहीं करती होगी कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। देखो ये कंसेप्ट आपको तभी समझ आएंगे जब आपने इनको एक बार ऑलरेडी पढ़ा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये आपके ऊपर से ही जाने वाला है 100% श्योर। तो ये एज अ रिविजन है, तो पहले अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोर्स पे जाके या कहीं और से पूरा एक बार इस टॉपिक को समझो, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक को मैंने बहुत ही समराइज्ड वे में समझाया, तो आपको ये एज अ रिविजन ही होगी, ना कि आपको पूरा का पूरा समझ आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। चलें आगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनएमएमएम मॉडल विथ टैक्सेस वेयर आर इज इंटरेस्ट रेट एंड डी इज द टोटल डेट एंड टी इज द टैक्स रेट, द वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड वुड बी। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, तो क्वेश्चन क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड बी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड वुड बी, वो बताना है कि जो प्रेजेंट वैल्यू होगी टैक्स शील्ड की वो क्या होगी। पहली चीज तो टैक्स शील्ड क्या होता है, देखो जो एमएम अप्रोच पढ़ते हैं उसमें हम टैक्स शील्ड की बात क्या करते हैं, टैक्स शील्ड की बात करते हैं कि जब कंपनी मतलब विट टैक्स की बात करते हैं, एमएम अप्रोच में विट टैक्स की जब हम डिस्कशन करते हैं याद हो तो उसमें हम क्या बात करते हैं, जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो उसे टैक्स बेनिफिट होता है। जब इंटरेस्ट पेमेंट करती है टैक्स बेनिफिट कैसे होता है कि सर जो हमारा जो टैक्स लगता है वो इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता है, मतलब पहले कंपनी इंटरेस्ट पे करती है प्रॉफिट में से, फ्री टैक्स पे करती है, जिससे होता क्या है टैक्स की सेविंग होती है ना। एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं, मान लो आपकी अर्निंग्स है 100 रुपीज, ठीक है। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया 20 रुपीज का तो आपकी अर्निंग्स कितनी बच गई, 80 रुपीज। अब 80 रुपीज पे लेट सपोज 50% टैक्स रेट है तो आपको मतलब टैक्स कितने का पे करना है, 40 रुपीज का। वहीं आपने कोई डेट ना लिया होता तो 100 रुपीज की अर्निंग है, 100 रुपीज में कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी तो टोटल अर्निंग कितनी हो गई, मतलब 100 100 पे गवर्नमेंट 50% का टैक्स लेती तो 50 रुपीज का टैक्स लेती, मतलब जो ये 10 रुपए बच गए हमारे, ये 10 रुपए जो बच गए किस रीजन से बच गए, क्योंकि हमने डेट लिया हुआ था जिसपे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये जो 10 रुपीज बच गए वो ही होता है हमारा टैक्स शील्ड, ठीक है। जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, पहले टैक्स शील्ड कैसे निकलेगा, देखो टैक्स शील्ड कैसे निकाला, जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट करी जैसे यहां पे 20 पर रुपीज, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है इनटू, ये टैक्स शील्ड बता रहा हूं कैसे निकलता है, टैक्स शील्ड निकलता है हमारा, टैक्स शील्ड निकलता है जो इंटरेस्ट पेमेंट हुई है इनटू टैक्स रेट। जैसे अगर यहां पे 20 रुपीज था तो 20 इंटू टैक्स रेट कितना था, 50%, 0.5, तो 10 रुपीज, मतलब टैक्स शील्ड कितने आ गया हमारे पास, 10 रुपीज का, मतलब 10 रुपीज की हमारी सेविंग हो गई। यहां पे पूछा गया था प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड कैसे निकल जाएगा, देखो इंटरेस्ट पेमेंट कैसे निकलेगा, डेट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टैक्स रेट। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम मान लेंगे परपेचुअल डेट है, परपेचुअल डेट है तो अपॉन में आर, तो ये निकल जाएगा डी इंटू टी करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी इंटू टी, मतलब डेट इंटू टैक्स रेट। समझ आ गया टैक्स शील्ड का कंसेप्ट, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे उसमें से कितने आपके सही हुए, अगर कम सही हुए तो इस चैप्टर को रिविजिट करो, अगर सारे के सारे सही हुए तो बेस्ट है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ो।
ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है, और इस बार मैं इसके कोई ऑप्शंस नहीं दे रहा। तो जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो किसने दिया है वो आपको वो कमेंट बॉक्स पे लिखना है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में थर्सडे को 2 PM सेम टाइम पे, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, नए टॉपिक के एमसीक्यूशंस डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।